हमारे यहाँ हॉलीवुड सुपर हीरो मूवीज काफी फेमस हैं और अच्छा खासा बड़ा बिजनेस भी करती हैं, पर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सुपर हीरो मूवीज नहीं देखते, जिसका एक रीजन ये भी सामने आता है कि ये सुपर हीरो मूवीज कॉमिक्स पर बेस्ड हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, जिससे अगर रिसेंटली रिलीज हुई कोई मूवी आप जाकर देख भी लेते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें आपको समझ नहीं आती। वैसे तो कई सारे सुपर हीरो यूनिवर्स हैं, पर आज मैं आपको बताती मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत से अब तक की सारी मूवीज के बारे में कि वो किस ऑर्डर में आपको देखनी चाहिए या फिर किस ऑर्डर में वो रिलीज हुई थी। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई फिल्म आयरन मैन से, जिसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर सुपर हीरो फैंस के फेवरेट बन गए थे और आज तक हैं। उसके बाद 2008 जून में आई द इनक्रेडिबल हल्क और उसके बाद 2010 में फिर से रॉबर्ट डाउनी जूनियर की आयरन मैन 2 देखने को मिली। आयरन मैन 2 के बाद हमें 2011 में देखने को मिली थॉर की ओरिजिन मूवी और इसी साल देखने को मिली कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। इन 5 में से 4 मूवीज इन सुपर हीरो आयरन मैन, हल्क, थॉर और कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन मूवीज थी। और फिर साल 2012 में देखने को मिली द एवेंजर। इसमें सारे सुपर हीरोज एक साथ पहली बार देखने को मिले, पर इसमें इनक्रेडिबल हल्क को प्ले करने वाले एक्टर को बदल दिया गया था। साथ ही इस फिल्म में नजर आए ब्लैक विडो और हॉकाय, जिनको और भी अच्छे से दिखाया गया क्योंकि इनकी ओरिजिन मूवी तब तक आई नहीं थी। ये सारी मूवीज मार्वल के फेज 1 में आती है। फेज 2 की शुरुआत हुई 2013 में आयरन मैन 3 से और उसके बाद थॉर की दूसरी मूवी आई थॉर द डार्क वर्ल्ड। उसके बाद साल 2014 में आई कैप्टन अमेरिका की दूसरी मूवी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर और इसी के साथ एक और ओरिजिन मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हमें देखने को मिली। और इसके एक साल बाद 2015 में देखने को मिली एवेंजर्स की दूसरी मूवी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और इसी साल में हमें देखने को मिली एंटमैन की ओरिजिन मूवी और इस मूवी के साथ मार्वल का फेज 2 हुआ पूरा। फिर साल 2016 मई में शुरू हुआ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 3, जिसमें पहली फिल्म आई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। ये मूवी भले ही कैप्टन अमेरिका के नाम पर थी, पर इसमें सारे के सारे सुपर हीरोज नजर आए और इसने एवेंजर्स वाली फील दी। उसके बाद आई डॉक्टर स्ट्रेंज की ओरिजिन मूवी, जिसने लोगों को धमाकेदार मैजिक दिखाया। और फिर साल 2017 में आई गार्डियंस की सेकेंड मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 और उसके बाद हमें लोगों का फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहली बार देखने को मिला। ये मूवी थी स्पाइडरमैन की पहली मूवी स्पाइडरमैन होमकमिंग। इससे पहले स्पाइडरमैन को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस किया जा चुका था। 2017 में ही देखने को मिली थॉर की तीसरी मूवी थॉर रैग्नारॉक और उसके बाद 2018 में आई ब्लैक पैंथर की ओरिजिन मूवी। हालांकि ब्लैक पैंथर को भी सिविल वॉर मूवी में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और इसके बाद हमें देखने को मिली एमसीयू की सबसे बड़ी मूवी में शामिल एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर, जिसने सक्सेस के नए रिकॉर्ड्स बनाए। और उसके बाद आई एंटमैन की सेकेंड मूवी एंटमैन एंड द वार्स और फिर देखने को मिली एक और ओरिजिन फिल्म कैप्टन मार्वल। और कैप्टन मार्वल के बाद में हमें देखने को मिली द एवेंजर्स की एवेंजर्स एंड गेम, जिसने इन्फिनिटी वॉर के रिकॉर्ड को तोड़कर नए रिकॉर्ड्स को कायम किया। इसके साथ ही मार्वल का फेज 3 पूरा हुआ और आखिरी फिल्म इसमें आई स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। फेज 3 पूरा होने के साथ ही मार्वल पूरी तरीके से बदलने वाला था और फेज 4 शुरू होते ही 2021 में टीवी सीरीज और फिल्म्स हमें दोनों ही देखने को मिली, जिसमें सबसे पहली टीवी सीरीज आई वांडा विजन, जो कि जनवरी 2021 में आई थी। फिर मार्च 2021 में आई दूसरी टीवी सीरीज द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर और फिर देखने को मिली फेज 4 की पहली मूवी जुलाई 2021 में आई ब्लैक विडो, जिसमें एक और नई ब्लैक विडो का ओरिजिन भी दिखाया गया था। फिर जून 2021 में आई थॉर के भाई लोकी की सोलो टीवी सीरीज, जहां से फेज 4 का असली खेल शुरू हुआ। फिर
सितंबर में देखने को मिली एक और नए सुपर हीरो की ओरिजिन मूवी शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स। फिर नवंबर में एक और नई मूवी देखने को मिली इटर्नल्स, जिसमें एक पूरे सुपर हीरो ग्रुप का ओरिजिन दिखाया गया था। एक और टीवी सीरीज आई हॉकाय, जिसमें हॉकाय के साथ एक फीमेल हॉकाय को इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद मार्वल की सबसे ज्यादा बड़ी फिल्म देखने को मिली स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसमें हमें पुराने दो स्पाइडरमैन भी देखने को मिले। और अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले टोबी मैग्वायर की स्पाइडरमैन 1, 2 और 3 देखनी होगी, जो लोगों की सबसे ज्यादा फेवरेट रही थी। ये मूवीज 2002, 2004 और 2007 में आई थी। और फिर आपको देखनी होगी एंड्रयू गारफील्ड की दो स्पाइडरमैन मूवीज, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2, जो कि 2012 और 14 में आई थी। स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद इस साल 2022 में मार्वल का पहला प्रोजेक्ट आया मून नाइट। ये भी एक टीवी सीरीज थी जो कि मार्च में आई, और ये एक नए सुपर हीरो मून नाइट का ओरिजिन सीरीज थी। फिर हमें देखने को मिली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की फिल्म। और अब 8 जून से शुरू हुई है मार्वल की एक और नई टीवी सीरीज मिस मार्वल, जो कि ऑब्वियसली मिस मार्वल की ओरिजिन सीरीज है। इसके बाद आपको आगे कई सारी मूवीज और सीरीज देखने को मिलने वाली हैं। जुलाई में आने वाली है थॉर की 4th मूवी थॉर लव एंड थंडर। फिर अगस्त में 2 सीरीज आएंगी। 10 अगस्त को ग्रूट की शॉर्ट सीरीज आई एम ग्रूट आएगी, और फिर 17 अगस्त को आएगी शी हल्क की सीरीज, जो कि उसकी भी ओरिजिन टीवी सीरीज होगी। और उसके बाद नवंबर में देखने को मिलेगी ब्लैक पैंथर की दूसरी मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जिसमें पुराने हीरो की डेथ हो जाने की वजह से नए हीरो को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। फरवरी 2023 में आएगी एंटमैन की तीसरी मूवी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया। और इसी तरीके से आगे बहुत सारी मूवीज भी आने वाली है। तो ये मार्वल का अब तक का पूरा सुपर हीरो यूनिवर्स है। इसमें इतनी सारी मूवीज आ चुकी हैं, और अब आने वाले टाइम पर कुछ ऐसे सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिनकी बहुत सारी मूवीज और सीरीज सालों से आती रही हैं, पर वो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा नहीं थी, पर अब उन्हें इस यूनिवर्स में लाया जाने वाला है। और इसके बारे में बहुत से सुपर हीरो फैंस तक नहीं जानते, तो इनकी इन सारी मूवीज और सीरीज को लेकर मैं बहुत ही जल्द एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी। वैसे मार्वल की लगभग सारी मूवीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएंगी, पर स्पाइडरमैन की मूवीज और हल्क की एक मूवी आपको यहाँ नहीं मिलेगी, वो आपको नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पर मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको इन मूवीज को लेकर अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप इनमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।